सो हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का हुसैन उस्मानी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट गिम्बल फॉर योर FX6। अगर आप सोनी FX6 यूज़र हो और अपने लिए एक परफेक्ट गिम्बल देख रहे हो फॉर योर प्रोडक्शन पर्पजेज, तो आई थिंक इज़्यून का जो नया आया है Crane 4, इट्स अ रियली ग्रेट ऑप्शन टू हैव इन योर बैग। ये FX6 है, काफ़ी एक मैंने हैवी लेंस यहाँ पे इसके ऊपर लगा रखा है, विच इज़ सम अराउंड 300 और 400 ग्राम्स के आसपास का ये लेंस है। और इस लेंस के साथ में ये कैमरा जो है वो प्रॉपरली FX6 के साथ में बेसिकली ये पूरा बैलेंस हो गया है। इसका जो वेट है गिम्बल का, लगभग आप पकड़ के चलिए 1.5 किलो के आसपास का गिम्बल है ये। और इसकी पेलोड कैपेसिटी ना लगभग 6 किलो के आसपास है, मतलब 5.5 kg के आसपास का ये पेलोड ले लेता है। ये इकलौता ऐसा गिम्बल है जो लगभग 55,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर आता है और इस टाइप के हैवी कैमरा सेटअप को बैलेंस कर सकता है। ये FX6 है जिसकी बॉडी लगभग 1 kg के आसपास है। ये पूरा सेटअप अगर मैं आपको बताऊँ एज ऑफ नाउ, ये पूरा सेटअप 2.5 kg के आसपास होगा जो मैंने इसके ऊपर अभी अटैच किया हुआ है, और उसका पूरा का पूरा पेलोड ये आसानी से यहाँ पे ले पा रहा है। ज़्यून क्रेन 4 गिम्बल ना बड़ा ही कमाल का गिम्बल है, नो डाउट फॉर श्योर। आप डेफिनेटली अपने प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए कोई अच्छा गिम्बल देख रहे हो तो दिस इज़ अ राइट गिम्बल टू हैव इन योर बैग। अब कुछ फीचर्स की बात करो, देखो ये काफ़ी हैवी पेलोड है। ओवरऑल अगर आप मैं सेटअप की बात करूँ तो ये बहुत हैवी हो जाता है। अगर आप ऐसे पूरा सेटअप करते हो लगभग 4.5 kg के आसपास का पूरा सेटअप हो जाता है। उस केस में भी, क्योंकि ज़्यून क्रेन 4 में यहाँ पर रिस्ट आर्म और साथ साथ में एक स्लिंग हैंडल देखने को मिलता है, तो उस केस में भी ना ये गिम्बल आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इतनी हैवी पेलोड वाले कैमरे को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके हाथ जल्दी भरते नहीं है, आपके हाथ में पूरा प्रॉपर ग्रिप बनी रहती है लॉन्गर वीडियो ड्यूरेशन के अंदर भी। इस गिम्बल की जो बैटरी लाइफ है ना वो लगभग 22 आवर्स की है, और ये PD फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है 15 वॉट की, तो क्विकली चार्ज हो जाता है। इसमें बैटरी रिमूवेबल नहीं है, नीचे की तरफ आपको ऑफकोर्स ग्रिप में ही बैटरी अटैच मिलती है। इस गिम्बल की एक और सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें यहाँ पे आपको जो है वो एक 10 वॉट की लाइट भी देखने को मिलती है, जिसको भी आप एज एन की और फिल लाइट के तौर पे अपने सब्जेक्ट के ऊपर दे सकते हो ड्यूरिंग दी शूट। कुछ फीचर्स इस गिम्बल के मुझे बहुत ही यूनिक लगते हैं, प्लस क्योंकि आप जब ऐसे बड़े हैवी सेटअप वाले कैमरास बैलेंस करते हैं अपने गिम्बल के ऊपर तो ये सही से बैलेंस नहीं हो पाते बहुत बारी, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड इंडिकेशन लाइट मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके बैलेंस मूवमेंट को समझने में कि गिम्बल प्रॉपरली बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। ये गिम्बल ऑलमोस्ट सभी टाइप के मोड्स को सपोर्ट करता है। इसमें आपको पैन फॉलो मोड मिलता है, वॉर्टेक्स मोड मिलता है, पोर्ट्रेट शूटिंग के लिए मोड मिलता है, फॉलो मोड मिलता है, गो मोड मिलता है, ये सारे इंपॉर्टेंट मोड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमने इस गिम्बल को इस कैमरा सेटअप के साथ में वेरी हार्ड इन सिचुएशन में यूज़ करके देखा है। मैंने इसमें भागा, शूट किया, वॉर्टेक्स मोड पर शूट किया, पोर्ट्रेट मोड पर शूट किया, इतने हैवी पेलोड के बाद में भी ना ये सर्वाइव कर गया इवन इन एवरी सिचुएशन। इस गिम्बल का जो पेलोड कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छी है, तो आप काफ़ी हैवी कैमराज इसके ऊपर आसानी से यू नो बैलेंस कर सकते हो। और FX6 के लिए अगर आप एक नया गिम्बल देख रहे हैं तो मैं ये गिम्बल आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा। इट इज़ अ रियली ग्रेट गिम्बल टू हैव इन योर बैग। इसकी प्राइसिंग इंडिया के अंदर लगभग 55,000 रुपीज़ के आसपास की पड़ती है अगर आप इसे कॉम्बो में लेते हैं, और अगर आप नॉन कॉम्बो में लेते हैं तो लगभग आपको 50,000 के आसपास ये सेलिंग मिल जाएगा। लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।